ऐसा स्मैश मारा ही नहीं होता या मैंने जंप ली नहीं होती, अगर मैं नहीं लेती तो शायद मेरी आज लेग बिल्कुल ठीक होती और मैं अपनी पूरी फॉर्म में होती और फिट होती. Closer, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. Palwasha Bashir, badminton player, and khelte hue inka Achilles tendon rupture ho gaya tha. Badi fine surgery inki ki gayi hai. अब इनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, हम इनकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और अगले 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह ताला ये अपने बैडमिंटन कोर्ट में वापस आएंगी. इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ अब बैलेंस ट्रेनिंग चल रही है और कुछ अर्से तक इनकी जिम ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. हम दुआ गो हैं कि ये हमारे मुल्क का नाम हो. कहते हैं ना, वी प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड श्योरली अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स. तो अल्लाह ताला ने भी मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा. बस नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था कि फाइनल्स में विमेन सिंगल्स के आफ्टर लीडिंग द सेकंड सेट विद 2019 मैंने स्मैश जंप स्मैश मारा और उसके बाद मुझे मैंने जैसे ही लैंड किया अपने पैर पे तो मुझे लेफ्ट लेग अपनी फील नहीं हुई. मेरी काफ और मेरा टेंडन जो है वो काफ़ी सीवियरली रप्चर हो गया था और उसके बाद जो है वो चीखों का एक मंजर और वो शायद ही लम्हा ऐसा है कि मैं वो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में शायद वो लम्हा मैं कभी भूल नहीं सकती. और आई होप कि इंशाल्लाह रिकवर फुली फिट होने के बाद मैं अपने फॉर्म में बेस्ट फॉर्म में आऊं और मैं उस टाइम को भूल पाऊं और मैं बेहतरीन से बेहतरीन पाकिस्तान के लिए खेलूं और तमगे हासिल करूं. Feeling.